हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए हैं एनटीपीसी के, उसके हम जीके के एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों, अगर आपके आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो यह जो वीडियोज़ हैं जो अभी चल रहे हैं सीरीज़, वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी पिछले एग्ज़ाम में शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं उनसे प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, तो आप बिना स्किप किए हुए पूरे को देखिएगा, हर एक प्रश्न को देखिएगा और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रुपये जो है, भारतीय रुपये का जो साइन है वो किसने दिया था? दोस्तों, यह दिया था उदय कुमार ने। यह 16 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आज था तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं और आप देख सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और जो मैंने प्रश्न नहीं लिया वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में फाइल को रीनेम करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वह है F2। अगला प्रश्न है कि जो UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत जो है कब शामिल हुआ? यह 26 जून 1945 को हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, माथुरी नृत्य है जो, वो किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, यह है मणिपुर से। अगला प्रश्न है कि जो ASCII का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म से प्रश्न पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है कि 2018 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर है जो सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक है? तो दोस्तों, वह है केरल। अगला प्रश्न है कि नवीन जो पटनायक है उड़ीसा के कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अभी तक? तो दोस्तों, जो नवीन पटनायक है 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला प्रश्न है 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों, यह मिला है डगलस स्टुअर्ट को, उनके जो उपन्यास है सगी बैन के लिए। किसको मिला है 2020 में मैन बुकर पुरस्कार? डगलस स्टुअर्ट। अगला प्रश्न है, आकाश मिसाइल की जो मारक क्षमता है, जो रेंज है, वो क्या है? तो वह है दोस्तों 30 किलोमीटर, और ये जो मिसाइल है वह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है, NaHCO3 का दूसरा नाम क्या है? तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। यह आपका एग्जाम पूछा है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों आज कि IPL 2020 में जो पर्पल कैप है किसे मिला, मतलब सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था? दोस्तों, यह जो है विकेट लिया था, पर्पल कैप मिला कैगिसो राबादा को मिला। दोस्तों, ये आपको बहुत सारे ये प्रश्न और ये भी प्रश्न और ये तीनों जो लगातार प्रश्न सारे रिपीट है, तो अभी बहुत सारे जो प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, तो हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न था कि म्यांमार जो है वो राजतंत्र से संबंधित है, तो उसी तरह भारत किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि जोग या गरसोपा जल प्रपात है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। अगला प्रश्न पूछा था कि बृहदेश्वर मंदिर है वो किसने बनाया था? तो दोस्तों, यह जो बनाया गया था चोलों ने बनाया था बृहदेश्वर मंदिर को। अगला प्रश्न पूछा था कि जो ऑनलाइन मीटिंग है वो कौन से ऐप से की जाती है? दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा जो ऑप्शन है वो क्लियर नहीं है, तो कुछ ऑनलाइन मीटिंग के जो ऐप के नाम है वहाँ पर आप देख सकते हैं, गूगल मीट है, जूम ऐप है, हैंगआउट मीट है, और CSGO वेब बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है। तो दोस्तों, इसमें से जो आपके ऑप्शन थे वो सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा, 2019 के सर्वेक्षण के आधार पर किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश में। अगला था फुल फॉर्म से REED, रीड का जो पूरा नाम है क्या है? तो रूरल एनर्जी एंटरप्राइज डेवलपमेंट। अगला प्रश्न था कि सूर्य जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे अपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न था, संविधान संशोधन 69 जो है वो क्या है? तो जो 69 है दोस्तों, वो दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी घोषित करना संविधान संशोधन 69 है। लकड़वाल समिति से क्वेश्चन था कि किससे संबंधित है? दोस्तों, जो लकड़वाल समिति है वो गरीबी रेखा से संबंधित है। दोस्तों, जिसमें यह क्राइटेरिया था कि उनकी जो कैलोरी है कितने अकॉर्डिंग तक लेंगे तो वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, तो वो लकड़वार समिति किस संबंधित है? दोस्तों, वो गरीबी रेखा से संबंधित है। अगला प्रश्न था कि जो वन वन जो लोकगीत है वो किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, यह जो है पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था कि जो मानव शरीर में जो सॉल्ट है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है? तो दोस्तों, यह किया जाता है प्लाज्मा के द्वारा। अगला प्रश्न था दोस्तों कि जो लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, वो उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो दोस्तों, वह है शिवांगी सिंह है। कौन है? शिवांगी सिंह। दोस्तों, यहाँ पर हमने 16 फरवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है दोस्तों, उसका यहाँ पे हमने एग्ज़ाम एनालिसिस देखा है,
जीके का। दोस्तों अगर आपका आज एग्जाम था तो आपने कितने प्रश्न सही किए आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर जो मैंने प्रश्न कोई नहीं लिया तो अभी आप कमेंट में करके बता सकते हैं। दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आपके आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। थैंक यू सो मच।